हेलो एवरीवन, आज हम कंजंक्शन के बारे में जानेंगे। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, दे जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो है वो जॉइनिंग वर्ड होते हैं। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या सेंटेंसेस को जब जॉइन करते हैं तो वो वर्ड जो जॉइन करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। इसको और अच्छे से कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। एक सेंटेंस है, हरी इज़ अ गुड बॉय। सेकंड सेंटेंस है, हरी इज़ अ काइंड बॉय। तो यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है। हम इस दोनों सेंटेंस को जॉइन करके एक न्यू सेंटेंस बनाते हैं, हरी इज़ अ गुड एंड काइंड बॉय। तो जब दोनों सेंटेंस यूज़ किए तो एक सेंटेंस बन गया, हरी इज़ अ गुड एंड काइंड बॉय। तो इन दोनों सेंटेंस को जॉइन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ? एंड। तो एंड इज़ अ कंजंक्शन। एंड कहाँ यूज़ होता है? एंड जॉइंस टू सिमिलर क्वालिटीज़। जब दो सिमिलर क्वालिटीज़ वाले सेंटेंस को जॉइन करते हैं तो हम एंड यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिमिलर क्वालिटीज़ क्या है? गुड बॉय और काइंड बॉय, ये सिमिलर क्वालिटीज़ है, इसलिए इन दोनों को जॉइन करने के लिए हम एंड वर्ड यूज़ किए। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं क्या है। That boy is thin, एक सेंटेंस है, that boy is thin। सेकेंड सेंटेंस है, his brother is fat। दोनों को जब हम join करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे, that boy is thin but his brother is fat। दोनों सेंटेंस को join करने के लिए हम एक word use किए हैं, but। तो यहाँ पर ये but conjunction है। अब but का use कहाँ होता है? But is used to join two opposite qualities। जब दो ऑपोजिट क्वालिटीज़ वाले सेंटेंस को जॉइन करते हैं तो हम बट यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक क्वालिटी है थिन, दूसरा क्वालिटी है फैट। तो ऑपोजिट क्वालिटीज़ को जॉइन करने के लिए हम बट यूज़ करते हैं और सेम क्वालिटीज़ को जॉइन करने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। यू कैन गो टू द सिनेमा, एक सेंटेंस है, यू कैन गो टू द सिनेमा। सेकेंड सेंटेंस है, यू कैन विजिट योर आंट। दो सेंटेंस दिया हुआ है, इनको हम जॉइन करते हैं। यू कैन गो टू द सिनेमा और यू कैन विजिट योर आंट, इन दोनों को जॉइन करने के लिए वर्ड यूज़ हुआ और। तो यहाँ पे और कंजंक्शन है। और का यूज़ अब कहाँ करते हैं हम? और इज़ यूज टू टॉक अबाउट ऑप्शंस। और का यूज़ होता है ऑप्शन में, मीन्स हमारे पास दो चॉइस है, उसमें से एक को हमें चूज़ करना है। टू ऑप्शंस कनेक्टेड बाय और मीन्स दैट ओनली वन ऑप्शन विल बी चूजन। जब हमारे पास दो ऑप्शन हो और हम और यूज़ करते हैं, मीन्स हमको दोनों में से किसी एक ऑप्शन को ही चूज़ करना है, हम दोनों को चूज़ नहीं कर सकते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, यू कैन गो टू द सिनेमा, एक ऑप्शन है कि आप सिनेमा जा सकते हैं। सेकेंड है, यू कैन विजिट योर आंट, या तो आप सिनेमा जा सकते हैं या फिर आप अपनी आंट से मिल सकते हैं। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, इसलिए ये जो वर्ड यूज़ हुआ इस दोनों को कनेक्ट करने के लिए वो है और। तो और एक कंजंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। आई वेंट होम अर्ली, एक सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है, आई वॉज़ वेरी टायर्ड। दो सेंटेंस है, इनको हम जॉइन करते हैं तो सेंटेंस बनेगा, आई वेंट होम अर्ली बिकॉज आई वॉज़ वेरी टायर्ड। तो इन दोनों को जॉइन करने के लिए वर्ड यूज़ हुआ बिकॉज। तो ये जो है बिकॉज, ये भी आपका एक कंजंक्शन है। तो ये बिकॉज कहाँ यूज़ होता है? बिकॉज इज़ यूज टू गिव अ रीज़न फॉर समथिंग। इसको यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ का रीज़न देते हैं, कारण देते हैं, तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, आई वेंट होम अर्ली, उसका रीज़न भी दे रहे हैं, हम अर्ली घर क्यों गए थे? बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। तो जो सेकेंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस का रीज़न है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बिकॉज यूज़ हुआ। तो ये है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होता है? जब दो अलग अलग वर्ड्स या दो अलग सेंटेंस को जॉइन करने के लिए जिस वर्ड को यूज़ करते हैं हम, उन्हें कहते हैं कंजंक्शंस। और कुछ कंजंक्शंस के बारे में हम आज पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।